Shrimati Supriya Sule ji. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on a very important bill. I appreciate that this is the most important part of the bill. We've just passed the budget yesterday. We've had a lot of very good discussions. I would like to start my budget with a line which I still remember, because the honorable member from the Treasury bench has actually confused me. So I'm wondering what really the Treasury bench is saying and what is the thinking of this government. I remember a line here when we used to sit on that side, sir. You remember those days. And Sushma ji used to lead the debate from here. And I remember, Mehngai par hamesha charcha hua karti thi. And after that, there was a tagline this government came up with. Aapko bhi yaad hoga, Meghwal ji. Bahut ho gayi mehngai ki maar, ab ki baar Modi sarkar. Aur main sach bataun aapko, and I am not afraid to say this. My mother used to tell me, ki sachi abhi bahut mehngai hogi hai, Supriya. इस बार ये लोग देखो तुमको हरा देंगे, पार्टी कोई भी हो, लेकिन आज देश की जनता बहुत अस्वस्थ है. भी मुझे मेरे माँ के वो शब्द आज याद आ रहे, क्योंकि बहुत सालों के बाद मेरी माँ फिर से यही कहने लगी है. अभी कंट्रोल में 1000 रुपया. देखो देखो महिलाओं का सुनो मेघवाल जी, इसी महिलाओं के कारण आपकी सरकार यहाँ बैठी है. मुझे अभी भी याद है सर, उज्ज्वला, व्हाट अ वंडरफुल स्कीम, आई सपोर्टेड इट. हमने जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला आप सब्सिडी दे दो, हमने खुशी से सब्सिडी दी. एक विश्वास के नाते कि इस देश की गृह लक्ष्मी को आप पैसा बचा रहे हैं, उसको सिलेंडर सस्ते दाम में देंगे. और आज के लिए आपके लीड स्पीकर क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम सब्सिडी कम कर रहे ऑयल के बारे में. महंगाई के बारे में पहला थोड़ा सा बोल लो, क्योंकि वो सबसे बड़ी चिंता है. और जो मेरी तृणमूल की बहन बोल रही थी वो सही बोल रही थी कि यहाँ बड़ी बड़ी रशिया की बातें, यूक्रेन की बातें हो रही है, वो भी होनी चाहिए पार्लियामेंट में. लेकिन आज पेट्रोल डीजल, आज जो इन्फ्लेशन आपको पता है, अंडे का भाव कितने में बढ़ा है, 4% से बढ़ा है. अभी सब्जी का भाव, आप घर जाएंगे तो भाभी से पूछ लीजिए मेघवाल जी, वो भी आज शायद डांटी लेंगी आपको. बुरा ना माने, अभी होली तो खत्म हुई है तो आप बुरा ना माने, भाभी थोड़ा गुस्सा होंगी. लेकिन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल सारी इतनी महंगाई हुई है. एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑयल बॉन्ड्स, आई अप्रिशिएट, शायद हुई भी होगी हमसे गलती, बट माय पॉइंट टू दिस गवर्नमेंट इज, आप हमारी सब्सिडी के खिलाफ बोल रहे थे. हमने खुद के लिए तो ऑयल बॉन्ड्स नहीं लिए थे, वी हैड टेकन दोज ऑयल बॉन्ड्स. सो सब्सिडाइज इस देश का जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो मेहनत करता है, उसके लिए वो किया था. टुडे आज ये छाती ठोक ठोक के रोज बोलते हैं पीएम की कल्याण योजना में हम कितना कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में इतनी बड़ी सब्सिडी रही. अच्छी बात है, यू मस्ट डू इट. इस देश के गरीब के लिए नहीं करेंगे कि तो किसके लिए करेंगे. सो इट इज अ वेरी गुड थिंग दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, बट डोंट ब्लेम अस कि तुमने ऑयल बॉन्ड्स किसके लिए, उसे सरप्राइज कंट्रोल के लिए. आई स्टिल रिमेंबर प्रणब मुखर्जी स्पीकिंग फ्रॉम हियर, one of the tallest leaders of this nation and a great finance minister. He used to explain to us that it was the crude oil prices. He used to always tell us, ki agar 100 ke niche, if this entire price of crude was below 100, it would have been a game changer. Itna hi mehngai nahi hoti. Kal bhi Piyush Goyal ji bol rahe the ki yes, volume mein bhi bada hai export, lekin thodi mehngai ke karan, because of crude prices. तो यहाँ बोलो तो बैठो तो क्रूज प्राइसेस महंगी, और यहाँ बैठे तो महंगा, ऐसा नहीं होता. आई थिंक दिस एंटायर हाउस हैज टू ऑलवेज डू, एंड सब्सिडीज किसी देश के लिए कोई खुद को कम मानने वाली कोई बात नहीं है. गरीब के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे, वंचित के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे. सो आई रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट टू टेक दिस इन्फ्लेशन इश्यूज वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज दिस कंट्री हैज वोटेड यू इन दैट टाइम ओनली विद ट्रस्ट एंड फेथ अगेंस्ट ऑल दिस. Talking about oil, which he said, I am very confused. Sir, Twitter पे ये बहुत active होते हैं. मैं थोड़ा सा clarification मांग रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कोई बीजेपी के नहीं, अभी देश के प्रधानमंत्री है, तो हम सबको उन पर हक है. तो मैं उनको सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि उनके दो अलग ट्वीट्स आए. एक में उन्होंने कहा 27 January 2019 को, उनका कोट है, इंडिया रिफाइनरी इंडस्ट्री हैज डन वेल इन एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ मेजर ग्लोबल प्लेयर. इंडिया विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन एशिया इज इमर्जिंग एज अ रिफाइनरी हब, रिफाइनरी मोर देन इट्स डिमांड. ये उनका कहना है, आई कैन कोट इट, आई कैन टेबल इट. देन इट इज सेड एट 27/2/22, वी डोंट हैव ऑयल रिफाइनरीज, वी इम्पोर्ट क्रूड ऑयल. दे एज एन ऑपोजिशन नेवर पेड अटेंशन टू इट. Now that sugar cane, ethanol can make it, our government is establishing network. We welcome that step. Ethanol ka hamari bhi kehna tha, aapka bhi kehna hai. Isme koi galat nahi hai. But I sometimes feel that this government is very, very confused in what they are saying, sir.
इवन आई गिव यू दी सेकंड एग्जांपल, ये जो कह रहे थे बड़ी टीका टिप्पणी की दुबे जी ने, बहुत अच्छा बोले, हमेशा बोलते हैं पढ़ लिख के आते हैं तो हम लोग भी एंजॉय करते हैं, अच्छे भाषण सुनना अच्छा है, हम लोग भी एक दूसरे से सब सीखते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है देश में करप्शन, भले नहीं पता के नहीं क्या क्या बोले, उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट, ट्रस्ट के बारे में बोले, काफी बोले, अच्छी बात है। एनी बडी इज गोइंग टू क्लीन अप द सिस्टम, वी ऑल यूनाइटेडली स्टैंड इन इम्प्रूविंग अ सिस्टम। बट उन्होंने एक सवाल जो रेज किया वो टाटा ट्रस्ट के बारे में। मैं सिर्फ दो चीजें आपको पूछना चाहती हूँ कि टाटा ट्रस्ट इज अ होल्डिंग कंपनी विच इज रन बाय द टाटास। आई हैव ग्रेट प्राइड इन द टाटा ग्रुप बिकॉज दे कम फ्रॉम माय स्टेट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री। जेआरडी टाटा वॉज द टॉलेस्ट लीडर हु स्टार्टेड एयर इंडिया, जिनको आप ही सरकार ने, आप ये जो रिजर्वेशन, आई एम वेरी कंफ्यूज बिकॉज एक तरफ से आप ये जो आप सर आप भी जहां से आते हैं, रोज हम लोग पार्लियामेंट आते हैं, वहां से बड़ा टाटा दिखता है, वहां दे हैव गॉट इट। देन एयर इंडिया भी आपने टाटा को दिया, फिर आप टाटा ट्रस्ट को क्वेश्चन करे, पता नहीं किस किस किसके बच्चों को हेल्प किया, मुझे किसी के बच्चों के बारे नहीं बोलना अभी, वो जो आपका है वो आप इंक्वायरी कर लीजिए, ऑल द अथॉरिटीज ऑफ यू, उस पर तो मैं बोलूंगी बाद में, बट दैट वॉज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिग्नल फॉर मी। देन दे केम टू क्रिप्टो करेंसी। नाउ क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो, नाउ दिस इज आई हैव टू आस्क दिस गवर्नमेंट दिस क्वेश्चन। आई वुड माई फ्रेंड गौरव गोगोई, आई हैव अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर ओपिनियन देन हिज। नाउ निशिकांत जी ऑल्सो स्पोक वेरी वेल अबाउट क्रिप्टो एंड आई अग्री विथ हिम। आपकी सरकार जो क्रिप्टो के बारे में, जो आपके आरबीआई गवर्नर पहले के बीच पे एवरीबडीज व्यू मेघवाल जी इज कि क्रिप्टो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? जो चीज गलत है वो बैन कर दीजिए ना, फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? जब तंबाकू पर हम बैन लगाते हैं जो सबके लिए खराब है, तो लगा तो 100% नहीं, 500 उस पर टैक्स लगा तो सिगरेट गुटखा सिप पे, तो क्रिप्टो ऐसी है ना, अच्छी तो नहीं है, तो आप तो 30% का नंबर कहां से आप पे आ गया? और निशिकांत जी कह रहे हैं ओ देश डरा हुआ है, क्रिप्टो वाले देश से डरे, 30% में आपको लगता है कोई डरा होगा? कोई नहीं डरा होगा, डार्क नेट में सब चल रहा है, तो उस पर रोक डालिए आप इधर कंप्लीटली बैन करिए और कंप्लीट क्लैरिटी लाइए इसके ऊपर, दैट द गवर्नमेंट हैज टू हैव अ विजन ऑन क्रिप्टो। योर ओनली कमिटी सेइंग इट इज बैड, आपका ही स्पीकर बोल रहा है कि अब गलत है, इसमें लोग बर्बाद हो रहे, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जिसका बिल ही नहीं है उसके ऊपर 30% लीगल, तो आप लीगलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो और उस पर 30% कर रहे हैं? मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि क्रिप्टो के बारे में यू हैव टू टेक अ स्ट्रांग एक्शन। इफ यू से यू आर अ स्ट्रांग गवर्नमेंट विथ अ स्ट्रांग लीडरशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट टेक दिस इनिशिएटिव एंड स्टॉप दिस डार्क नेट एंड ऑल दिस वेयर अ कॉमन मैन ऑफ इंडिया इज गेटिंग इट। कुछ हार्ड लाइंस लेने चाहिए, अच्छे बुरे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इस देश की हर व्यक्ति जो क्रिप्टो के बारे में जानती नहीं है, पर कंप्लीट बैन लाइए आप इसके ऊपर। हैव सम स्ट्रेटजी एंड कम क्लियर टुडे इन द रिप्लाई बिकॉज वी हैव टू सेव आर पीपल हु आर गोइंग थ्रू सच डिफिकल्ट टाइम्स। और इसका और एक मजा बताऊं सर आपका, ये जो क्रिप्टो में वेरी इंटरेस्टिंग दिस गवर्नमेंट इज, कार्ट बिफोर द हॉर्स इट इज, देयर इज नो डेटा इन दिस गवर्नमेंट। और उनके आई कैन टेबल इट आफ्टर, आई डोंट वांट टू टेक द टाइम ऑफ द हाउस, बट हर सवाल जो जब जब इस सरकार को पूछा है वो बोलते हैं नो डेटा, नॉट दैट दे लाइक डेटा। एंड इवन आरबीआई हैज शोन सच स्ट्रांग, ऑलमोस्ट आई डोंट वॉन्ट टू यूज, मेघवाल जी आप बुरा ना माने, अभी होली खत्म हुई तो थोड़ा सा मुझे फ्रीडम दे दीजिए, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट साउंडिंग, आई डोंट लाइक टू यूज दिस वर्ड फॉर माई कंट्री विच आई लव, इट्स साउंडिंग लाइक अ बनाना रिपब्लिक, कि समथिंग इज नॉट लीगल उस पर आप टैक्स कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट दिस क्रिप्टो? कौन सा बनाना रिपब्लिक शब्द था ये? रॉबर्ट वाड्रा का शब्द था, आपने कहां से चुरा लिया? सीनियर और सौम्य। अदर थिंग विच आई नीड टू टॉक अबाउट, आई नीड द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दिस गवर्नमेंट इज अबाउट टैक्सेशन। नाउ जीएसटी के बारे में गौरव जी बोले, निशिकांत जी बोले, काफी बोला कि ओ आपका, हमारा था, वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट द होल इंटेंशन वाज, वेरी गुड ऑफ ब्रिंगिंग द जीएसटी, बट अगेन नाउ कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिस ट्रेजरी बेंच इज गेटिंग। से आपका बिल हमने लाया एंड देयर इज नो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगर इतना बिल था तो लाया क्यों आपने? एंड सर वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू दिस हाउस, एंड आई एम हैप्पी भगवत कराट जी, वी बोथ कम फ्रॉम द स्टेट, भगवत कराट जी आई एम इल इनफॉर्म, फाइनेंस इज नॉट माई स्ट्रेंथ, सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि एक नया चीज हमारे स्टेट में निकाली है, और देश में होती है हमेशा, स्पेशली द स्टेट्स विच आर नॉट ऑफ देयर आइडियोलॉजी थिंकिंग गवर्नमेंट्स, इफ यू डोंट हैव एनी कंप्लायंस इश्यू इन द जीएसटी देन इमीजिएटली यू पुट द पर्सन इन जेल। नाउ इज दिस समथिंग, नाउ यू इन योर ओन फाइनेंस बिल
अंडर एरर्स ऑन पेज 6 यू हैव ब्रॉट इन सो मेनी, इतना देश, इतनी बड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इतने इंटेलिजेंट लोक वाक, आप भी एरर कर सकते ना, यार ह्यूमन कराट जी, कभी तरी चूक होते हो माणसाकडून, आपले काय आपण देव थोड़ी आहोत, तर जर छोटीशी गलती झाली तर तुम्ही सरळ जेल मध्ये टाकणार त्याला. And is, was this discussed in the council? Are you trying to tell us all the finance ministers in this country agreed to this? Please clarify, because this is very, very important. किसी से गलती हो गई तो बिल में आप फाइनेंस बिल में एरर्स कर सकते हो, लेकिन एक आध आदमी बेचारा गलती हो गया तो गिव हिम टाइम, उसको टाइम दो कि बोला भैया 3 महीने में, 6 महीने में, हफ्ते में कर दो. पर जेल में जो उठा, आजकल तो स्टाइल हमारे राज्य में तो पूछो ही मत, जिसको उठाते हैं जेल में डाल देते हैं, पूरा नहीं. एंड वन मोर थिंग यू हैव डन in this thing, in this taxation, this is very interesting, I must share this with you. Bhagwat ji, aplyakade ta jastach he zalele aahe ki aajkal Nishikant ji jiske bare mein bol rahe the, wo PMLA ke bare mein bol rahe the. I remember main isi house mein thi sir jab wo PMLA ke bare mein bole the. When he spoke about PMLA, I just give two three quick clarifications. PMLA ke bare mein bole the, what he said is happened, it's very, very unfortunate what happened. I'm not going to get into the merits of right or wrong. Who am I to judge anybody? But in the PMLA, this is the same government which has criticized PMLA, has now, sir, you can arrest somebody under the PMLA without a FIR. How can you do that? Please tell me. Even Supreme Court has criticized it. Everybody is asking, kasa tumhi maja kai guna hai ta sanga, Karat ji. डायरेक्ट मला काही नाही विचारणार, जेलमध्ये टाकून देणार, म्हणणार आता माझी मर्जी होईल तेव्हा मी FIR करणार, ऐसा थोडी होता है सर. दिस इज अ डेमोक्रेसी, यू कॅन पुट पीपल इन जेल लाईक दिस. सो ऑल आय एम सेइंग, एंड इवन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हॅज रेज्ड इट इश्यूज, आय अर्ज दिस गव्हर्नमेंट, यू वॉन्टेड टू बिकम एन इन्व्हेस्टमेंट प्लेस फॉर गुड इन्व्हेस्टमेंट, जिसका उल्लेख इन्होंने किया, गौरव जी ने किया, हाय नेटवर्क इंडिविजुअल्स, सर सब डरते हैं इस देश में अभी. I'm not saying चोरी के खिलाफ मैं हूँ, क्यों? If you're cleaning the systems, we will stand behind you in one voice, one vote. Meghwal ji, I'm telling you, आपके साथ खड़े रहेंगे. लेकिन ना इंसाफी मत करिए. जो बेचारा मेहनत करता है, उसका एक कंप्लायंस कम ज्यादा हो गया, चलो इसको ठोस दो जेल में, ऐसा नहीं होता. प्लीज, इट विल वन डे कम बैक. आई डोंट वॉन्ट टू यूज निशिकांत जी वर्ड्स, आई डोंट विश दिस फॉर माई वर्स्ट एनिमी. मैं कभी नहीं सोचती किसी को जेल डालने से किसका भला होता है, उसके घर में बीवी होती है, बच्चे होते हैं, उसके हाल कभी पूछो, उनकी क्या गलती होती है. और आजकल तो महाराष्ट्र में फैशन हो गया, बीवी बच्चों को भी नोटिस आने लगे. वॉट इज दैट पुअर वाइफ नो? दिस इज रियली द ट्रेजेडी ऑफ दिस नेशन. ब्लैक मनी के बारे में बहुत सारा निशिकांत जी बोले, वेरी गुड, आई एम हैप्पी ब्लैक मनी आया इस देश में, तो अच्छी बात है. पता नहीं क्या क्या और बोले. डीमोनेटाइजेशन आपने क्यों किया? क्योंकि आपने कहा ब्लैक मनी आएगा. आई एम आस्किंग कराट जी अ पॉइंटेड क्वेश्चन टू यू, दैट प्लीज टेल मी हाउ मच ब्लैक मनी केम इन टू द सिस्टम विद डीमोनेटाइजेशन एंड ऑल दीज फॉरेन थिंग्स दैट यू आर लर्निंग. किती ब्लॅक पैसे आले सांगा. मी आता 15 लाखचा हिशोब पण विचारत नाही. बिचारे अमित शाह जी खरे निघाले, आई रिस्पेक्ट अमित शाह जी फॉर दॅट. अच्छा बोले उस दिन टीव्ही पे, टीव्ही पे बोले अरे ये तो झुमला आहे. ॲटलीस्ट ही वॉज ऑनेस्ट, आय लाईक ऑनेस्ट पीपल, आय रिअली हॅव रिस्पेक्ट फॉर हिम. खरं बोलले काय जाते, आपले थोडं ते गुजरात मराठी आपले शेजारी, सख्खे शेजारी आहोत आपण, त्यामुळे ते बोलले मी त्याचं स्वागत करते की ठीक आहे झुमला आहे छोड दिया मैंने, की 15 लाख का हिसाब नाही मांगूंगी यांचे. लेकिन ब्लॅक मनी का तू मांग सकती हो ना, इतना हम पे अटॅक करते थे ब्लॅक मनी ब्लॅक मनी. कराट जी काय झालं, उपयोग काय झाला त्याचा? डिमॉनिटायझेशन मधून किती पैसे आले? आणि त्यातून हे ईडी आणि ह्याचं तर काय विचारू नका. महाराष्ट्र में एक फॅशन आहे सर, लास्ट पॉइंट सर, महाराष्ट्र में एक फॅशन आहे सर की देर आर पीपल, नाव दिस इज समथिंग रिअली इम्पॉर्टंट, लास्ट पॉइंट आय प्रॉमिस यू, अँड आय वॉन्ट टू रेज इट बिकॉज इट्स ऑफ सिरियस कन्सर्न. देर आर एजन्सीज ईडी सीबीआय, इफ समबडी हॅज नॉट डन कम्प्लायन्स, आय एम रिक्वेस्टिंग यू दॅट अ सिस्टम हॅज टू बी फॉलोड, वेदर पीएमएलए वो फलाना ढिकणा जो भी आपको करना है करो. But when there is compliance being done, you say that CBI, ED, IT, Income Tax are very independent bodies. If they are independent bodies, how on Twitter we know who in Maharashtra is going to get raided 3 days, 4 days and 5 days? Ye 15 din mein jail jayega. Are they astrologers? What, who are they? How do they know? Meghwal ji tweet pe aata hai, and I can table this. Mere paas सर के डॉक्यूमेंट्स है, माई डेट मैं आपको बता सकती हूँ किसका डेट है. बोला इसको जेल में डाल देंगे इसको. सो देर आर ओनली टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, ईदर देन यू एडमिट दैट ईडी सीबीआई ऑल दीज एजेंसीज आर रन बाय द पीपल इन पावर टूडे. एडमिटेड, सच बोलो यार, अमित शाह जी सच बोलते हैं. आई थिंक आई शुड आस्क हिम ओनली, बाकी का पता नहीं, पर ये सरकार में कौन सच बोलता है, कोई नहीं, वो तो जरूर बोलते हैं. और द सेकंड क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क, आर देयर लीक्स? अगर एक पेपर लीक होता है ना तो पूरी इंक्वायरी लगा देते आप, उस अफसर को जेल में डाल देते.
जब आपका कार्यकर्ता, मैं आरोप कर रही हूं आज, मैं न्याय मांग रही हूं मेघवाल जी आपके सरकार को, कि अगर आपका कोई आदमी, आपके दो ऐसे आदमी है, मैं ट्विटर से प्रूफ कर सकती हूं, जिनको रेड कब, जेल कब, ईडी कब, सब जानते हैं, कोई नहीं पूछने वाला आपको, कर लीजिए हमसे गलती होगी, फांसी दे दीजिए, यहां भी नहीं विजय चौक में मुझे फांसी दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती करी होगी तो आई डिजर्व अ फेयर ट्रायल। तो ये ईडी, सीबीआई, ऑल दीज थिंग्स दैट आर यूजिंग आर नॉट फेयर। लाइफ इज अ फुल सर्कल मेघवाल जी, कभी हम भी वहां बैठे, हमसे शायद वो पीएमएलए की गलती हो भी गई होगी शायद, थैंक यू बट इट डिड हैंग अस वन डे, तो ऐसा आप मत करिए। थैंक यू सर, बी फेयर एंड बी जस्ट इज माई ओनली रिक्वेस्ट, देर आर सम पॉइंट आई वॉन्टेड, बट आई अप्रिशिएट दैट यू विल थिंक ओवर ऑल दिस एंड मेक श्योर दिस इज अ सेफ एनवायरमेंट फॉर एवरी इंडियन हू इज हैप्पी टू पे टैक्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू सर, थैंक यू। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।